कुमार शिक्षा शास्त्र विषय के साथ सरस्वती ग्रुप्स ऑफ कॉलेजेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत कर रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप शिक्षा शास्त्र विषय का सिलेबस वाइज अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है। इसमें आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वह है शिक्षा का अर्थ, ठीक है। शिक्षा के अर्थ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब शिक्षा का अर्थ क्या है, शिक्षा की उत्पत्ति कैसे हुई और शिक्षा के किन किन अर्थों में हम लोग जानते हैं उसको हम लोग जानेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है और शिक्षा की उत्पत्ति कैसे हुई। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से निकला है, जिसका अर्थ सीखना और सिखाना अथवा ज्ञान ग्रहण करना। कुछ लोग को शिक्षा विद्या भी कहते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो शिक्षा को विद्या भी कहते हैं। और इस विद्या शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के विद धातु से हुआ है, जिसका अर्थ जानना या ज्ञान ग्रहण करना या ज्ञान प्राप्त करना से माना जाता है, ठीक है ना। जैसा तात्पर्य क्या है कि शिक्षा जो शब्द है, इस शिक्षा शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ कैसे क्या पड़ा, इसके बारे में जानना है। तो जो शिक्षा शब्द है यह इसकी उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो संस्कृत भाषा से। संस्कृत भाषा के किस शब्द से हुई है, तो शिक्ष शब्द से हुई है। अब ये जो शिक्ष धातु है, इस शिक्ष धातु में एक प्रत्यय जुड़ा है, और कौन सा प्रत्यय जुड़ा है, तो अप्रत्यय जुड़ा है। इस अप्रत्यय के जुड़ने से क्या बना है, तो शिक्षा शब्द बना है। क्या बना है, शिक्षा शब्द बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो सीखना और सिखाना होता है, या इसी को ज्ञान ग्रहण करना कहलाता है। क्या कहलाता है, ज्ञान ग्रहण करना कहलाता है। कुछ लोगों ने तो प्राचीन काल में, जैसे जो भी हमारी प्राचीन भारतीय सभ्यता है, उस समय पे शिक्षा को विद्या के रूप में जाना जाता था। किस रूप में जाना जाता था, शिक्षा शब्द को, तो विद्या शब्द के रूप में जाना जाता था। और इस शब्द की उत्पत्ति भी संस्कृत के विद धातु में अप्रत्यय, ठीक है ना, जैसे यहाँ पे लिख देते हैं, विद धातु में अप्रत्यय के जुड़ने से बना था, ठीक है, जिसका शाब्दिक अर्थ जानना या ज्ञान प्राप्त करना होता है, ठीक है ना। यहाँ तक आप लोगों को कंफर्म हो गया होगा। अब ये जो शिक्षा शब्द है, इस शिक्षा को अंग्रेजी भाषा में, ठीक है ना, अंग्रेजी भाषा में इसे एजुकेशन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, एजुकेशन के नाम से जाना जाता है। अब ये जो एजुकेशन शब्द है, ये किस भाषा का शब्द है, तो अंग्रेजी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है, जो यहाँ पे लिखा हुआ कि अंग्रेजी में एजुकेशन का, एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के निम्नलिखित शब्दों से हुई है। लैटिन भाषा के कई शब्द हैं जिन शब्दों से इसकी उत्पत्ति मानी गई है, और वह कौन कौन से शब्द हैं। तो पहला जो शब्द है वह है एजुकेटम, ठीक है। एजुकेटम का तात्पर्य किससे होता है, तो टू रैन से होता है, जिसे आप कह सकते हो कि एक्ट ऑफ टीचिंग और ट्रेनिंग, ठीक है। इसका तात्पर्य शिक्षित या प्रशिक्षित करने से लिया जाता है। किसके किससे किससे माना जाता है, तो शिक्षित या प्रशिक्षित से माना जाता है, ठीक है। उसके बाद से दूसरा जो लैटिन भाषा का शब्द है हुआ है एजुसियर। क्या है, एजुसियर। इसका तात्पर्य किससे है, टू लीड आउट से। किससे है, टू लीड आउट से, यानी कि विकसित करना या अग्रसित करना, विकसित करना या अग्रसित करना, दोनों आगे आपको लिखा हुआ है, ठीक है। अगला जो लैटिन भाषा का शब्द है, देख लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है, अगला जो लैटिन भाषा का शब्द है वह है एजुकेयर। एजुकेयर का तात्पर्य किससे है, टू एडुकेट से है। किससे है, टू एडुकेट से है। इसे टू ब्रिंग अप या टू रेस भी कहा जाता है, ठीक है ना। कहने का तात्पर्य किससे है, आगे बढ़ाने से है, बाहर निकालने से है या विकसित करने से। किस किस किससे किससे है, तो आगे बढ़ाने, बाहर निकालने, विकसित करने। आपको यहाँ पे तीन शब्द मिला है, एक शिक्षित करना, ठीक है, एक हो गया विकसित करना, क्या हो गया विकसित करना, तीसरा क्या हो गया, बाहर निकालना, बाहर निकालना या
आगे क्या कह सकते हैं आप लोग, आगे बढ़ाना, आगे बढ़ाना, ये कई शब्द हैं, ठीक है। और इन सब की उत्पत्ति एजुकेशन भाषा के, एजुकेशन जो शब्द है उसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा की एजुकेटम, एजुक्सियर और एजुकेयर से मानी जाती है। लेकिन इन तीनों शब्दों की जो उत्पत्ति हुई है, जैसे यहाँ पे है एजुकेटम, ठीक है, और एजुक्सियर और एजुकेयर, इन तीनों शब्दों की उत्पत्ति दो शब्दों से मानी जाती है। कितने शब्दों से मानी जाती है? दो शब्दों से मानी जाती है, एक होता है ई और दूसरा होता है डुको। ये चीजें आपको आगे दी गई हैं, ठीक है ना। जैसे देखते हैं, देखिए यहाँ पे दिया गया है कि लैटिन भाषा का एजुकेटम शब्द दो शब्दों के मेल से बना है। पहला कौन सा शब्द है? ई, और दूसरा जो शब्द है वो क्या है? डुको है। ई का अर्थ क्या होता है? तो ई का अर्थ होता है अंदर से, और डुको का अर्थ क्या होता है? अग्रसित करना, आगे बढ़ाना या बाहर निकालना, ठीक है ना। बहुत सी चीजें होती हैं, कई शब्द होते हैं, आपने ऊपर कई रूपों में पढ़ा है। तो कह सकते हैं कि जो बालक है, शिक्षा किसे देना है? बालक को देना है ना। शिक्षा कैसी प्रक्रिया है? तो हम कह सकते हैं एक सामाजिक प्रक्रिया है। समाज में कौन निवास करता है? तो बालक निवास करता है। अतः बालक को ही शिक्षित करना है, तो बालक की क्या करती है शिक्षा? तो बालक की अंतर्निहित शक्तियों तथा गुणों को क्या करती है? अंदर से बाहर की ओर प्रकट करती है। ई का अर्थ किससे है? अंदर से। और डुको का अर्थ किससे है? बाहर निकालने से। किससे है? बाहर निकालने से। अतः बालक में कुछ जन्मजात शक्तियां होती हैं, उन्हीं शक्तियों को शिक्षा क्या करता है? बाहर निकालता है, और क्या करता है? उसका विकास करता है। उसका क्या करता है? विकास करता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि शिक्षा के माध्यम से बालक के अंतर्निहित शक्तियों या गुणों को क्या करता किया जाता है? बाहर निकाला जाता है और उसका विकास किया जाता है। यही क्या है? शिक्षा है। क्या है? शिक्षा है। ऐसा नहीं है कि जो भी परंपरागत की चीजें हैं, जो भी घिसे पिटे ज्ञान है, उसी को मस्तिष्क के ऊपर थोपना, ऐसा नहीं है। क्या है कि बालक में कुछ ऐसे शक्ति हैं जिन शक्तियों को क्या करना है? बाहर निकालना है, और बाहर निकाल कर क्या करना? उसका विकास करना, ठीक है। इस तरह से आपको शिक्षा का संकुचित अर्थ समझ में आया होगा, समझ में आया, सॉरी, शिक्षा का शाब्दिक अर्थ समझ में आया होगा। उसके बाद से आप लोगों का जो अगला पॉइंट है इसमें, वह है शिक्षा का व्यापक तथा संकुचित अर्थ। क्या है? शिक्षा का व्यापक तथा संकुचित अर्थ। अब शिक्षा को हम मुख्यतः तीन अर्थों में जानते हैं, शाब्दिक, व्यापक और संकुचित। लेकिन ये दूसरा पॉइंट के अंतर्गत आप शिक्षा को व्यापक अर्थ में जानेंगे और संकुचित अर्थ में जानेंगे, ठीक है। तो इसमें शिक्षा का जो व्यापक अर्थ है वो क्या है? तो देखिए, शिक्षा के व्यापक अर्थ में शिक्षा की अवधि की कोई सीमा नहीं होती। मनुष्य संसार के किसी भी कोने में रह के शिक्षा प्राप्त कर सकता है। व्यापक अर्थ में समस्त संसार ही क्या है? शिक्षा क्रिया है। अतः जन्म से लेकर जब तक व्यक्ति या बालक की मृत्यु नहीं हो जाती, तब तक वह कहीं भी, कभी भी, किसी भी रूप में, ठीक है, किसी भी समय में रह के कभी भी कुछ भी, जो भी सीखता है वही क्या है? शिक्षा है। और वह शिक्षा किस अर्थ को व्यक्त करती है? तो शिक्षा के व्यापक अर्थ को व्यक्त करती है, ठीक है ना। देखिए, व्यापक अर्थ में शिक्षा बालक प्रधान होती है। बालक प्रधान का तात्पर्य बाल केंद्रित से होती है। बालक को ही शिक्षा का केंद्र मानकर शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, अनुशासन, पाठशाला इत्यादि का क्या किया जाता है? संगठन किया जाता है, या इनकी क्या की जाती है? व्यवस्था की जाती है ना। एक लाइन में आप व्यापक अर्थों को कैसे जानेंगे? तो बालक का जब जन्म होता है, और जन्म होने के बाद जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती, तब तक बालक जो भी क्या करता है? सीखता है, जानता है, जिन भी रूप में सीखता जानता है, जिन भी माध्यम से वो सीखता जानता है, वह शिक्षा के किन अर्थों को व्यक्त करता है? तो शिक्षा के व्यापक अर्थों को व्यक्त करता है, ठीक है ना। उसके बाद से हम लोग आगे देखेंगे शिक्षा के संकुचित अर्थ क्या है। शिक्षा के संकुचित अर्थ, संकुचित का तात्पर्य सीमित से है या छोटे से है, ठीक है। इसमें देखिए लिखा गया कि संकुचित अर्थ में शिक्षा का क्षेत्र विद्यालय
विद्यालय की चार दीवारी तक ही सीमित होता है। कहाँ तक सीमित होता है? तो विद्यालय के चार दीवारी तक ही क्या होता है? सीमित होता है, अथवा हम कह सकते हैं कि विद्यालय अथवा पाठशाला से, या पाठशाला अथवा विद्यालय से एक पूर्व निश्चित अध्यापन स्थल होता है, जहाँ प्रत्येक विद्यार्थी औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुए प्रवेश प्राप्त करते हैं। वहाँ सभी बातें पूर्व निश्चित हुआ करती हैं, प्रवेश के नियम, पाठशाला भवन, पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकें, समय सारणी, अध्यापक शिक्षा आदि पूर्व निश्चित होती हैं। उसी सीमित परिधि में विद्यार्थी को निर्देशन ग्रहण करना पड़ता है, जिस शिक्षा को हम शिक्षा के संकुचित अर्थ के रूप में समझ सकते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है कि विद्यालय के माध्यम से जो भी बालक को औपचारिक शिक्षा प्रदान की जाती है, इस औपचारिक शिक्षा को ही हम शिक्षा के संकुचित अर्थों के रूप में व्यक्त करते हैं या समझते हैं। शिक्षा के संकुचित अर्थों के रूप में हम लोग इन चीजों को समझते हैं। समझ में आया? इसके बाद से आपको देखना है आगे शिक्षा की कुछ परिभाषाएं, ठीक है ना? कौन कौन सी परिभाषाएं हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं, जिन परिभाषाओं को पहला इसमें है प्लेटो। शिक्षा शारीरिक, मानसिक तथा बौद्धिक विकास की एक प्रक्रिया है। किसने कहा है? तो प्लेटो महोदय ने कहा है। किसने कहा? प्लेटो महोदय ने क्या कहा है? तो शिक्षा एक शारीरिक, मानसिक तथा बौद्धिक विकास की क्या है? एक प्रक्रिया है, ठीक है। उसके बाद से अरस्तु महोदय ने, क्या कहा है कि शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क की रचना करती है, का निर्माण करती है। अरस्तु महोदय ने क्या कहा है कि शिक्षा के माध्यम से बालक का क्या किया जाता है? स्वस्थ शरीर का निर्माण किया जाता है। जब शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होगा तो उस स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का क्या होगा? निर्माण होगा या रचना होगा। ये किसने कहा? तो अरस्तु ने कहा। जैसे शिक्षा, प्लेटो ने क्या कहा दिया कि शारीरिक, मानसिक तथा बौद्धिक विकास, यानी कि बालक के जो पक्ष होते हैं व्यक्तिगत पक्ष के अंतर्गत, शारीरिक, मानसिक, नैतिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक, संवेगात्मक, ये सभी पक्ष इसके अंतर्गत आते हैं। इन सब का विकास, ठीक है, किसने कहा है? तो प्लेटो ने कहा है। यही विकास या इन सभी पक्षों का विकास किसके द्वारा होता है? तो शिक्षा के द्वारा होता है। इसलिए शिक्षा को इनकी एक प्रक्रिया के रूप में इन्होंने स्वीकार किया है। अगला जो परिभाषा है वो रूसो का है। रूसो ने क्या कहा कि शिक्षा अंदर से होने वाला एक विकास है, यह बाहर से संचय नहीं होता। दोस्तों ने क्या कहा कि शिक्षा जो है वो अंदर से बालक के अंदर विकसित होती है, बाहर से संचय नहीं होती। इस तरह से बहुत से हम कह सकते हैं कि दार्शनिक हैं जिन्होंने शिक्षा के संदर्भ में विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं दी हैं। जैसे मान लीजिए कि महात्मा गांधी हैं। महात्मा गांधी क्या क्या हैं कि बालक के स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण ही क्या है? शिक्षा है। किसने कहा है? महात्मा गांधी जी ने क्या कहा है कि बालक के स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण ही क्या है? शिक्षा है, ठीक है। इस तरह से आपने शिक्षा के कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा भी पढ़ा, ठीक है। देखिए यहाँ पे महात्मा गांधी का भी परिभाषा दिया गया है, हर्बार्ट का भी परिभाषा दिया है कि शिक्षा एक लंबी तथा जटिल प्रक्रिया है, लेकिन इसे एक शब्द से संक्षिप्त किया जा सकता है, और वह नैतिक। यानी कि एक शब्दों में कह सकते हो कि बालक के अंदर नैतिकता का विकास करना ही क्या है? शिक्षा है। नैतिकता का तात्पर्य और बालक के अंदर नीति और नियमों का विकास करना, जिससे बालक का एक सर्वांगीण, या हम कह सकते हैं कि संपूर्ण विकास हो सके, ठीक है। ये किसने कहा है? तो हर्बार्ट महोदय ने कहा। उसी तरह से स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा कि शिक्षा मनुष्य के अंदर में निहित देवत्व की अभिव्यक्ति है, ठीक है। उनका मानना है कि बालक के अंदर पहले से ही कुछ देवत्व प्रवृत्तियां निहित होती हैं, उन्हीं का क्या करना है? विकास करना है। यही क्या है? शिक्षा, ठीक है। इस तरह से आज के क्लास में हमने क्या क्या देखा? तो शिक्षा का अर्थ, अर्थ के अंतर्गत शिक्षा का शाब्दिक अर्थ, शिक्षा का संकुचित अर्थ, शिक्षा का व्यापक अर्थ, और कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषा, ठीक है। इस तरह से मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।